बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अमार है और आप देख रहे हैं डबल ए रियल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस न्यू वीडियो में हम विज़िट करेंगे कैटेगरी हाउस का। कैटेगरी हाउस ऐसे है कि इसका फ्रंट जो है वो ओपन है। तो सात मरला का ये ब्रांड न्यू हाउस है जो कि इस टाइम बैरिया टाउन फेज़ रावलपिंडी की मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। घर की जो डायमेंशनस हैं वो है 30x55, 30 फ्रंट है और 55 लेंथ है। तो आप सब ने वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है, घर का प्रॉपर विज़िट करेंगे। इसी वीडियो में आगे फर्दर घर की डिमांड, फ्लोर प्लान, तमाम डिटेल तो आपके साथ शेयर करूंगा। एंड अगर आप मेरे चैनल डबल ए रियल स्टेट पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे विदाउट सर्चिंग, सर्च के बगैर। विज़िट स्टार्ट करते हैं। एलिवेशन आपने देख लिया होगा, एलिवेशन काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। एलिवेशन पर ग्राफिक इस्तेमाल किया गया है और टॉप पर और मिड में आप देख सकते हैं कनोपीज़ का इस्तेमाल किया गया है। घर के राइट साइड पे प्लॉट्स हैं, लेफ्ट साइड पे घर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अब मूव करते हैं इसके पार्किंग रैंप पे। रैंप पे आप आते हैं तो यहाँ पे व्यूअर्स टफ टायर्स का यूज़ किया गया है और यहाँ पे भी पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। लेफ्ट साइड पे इसका ग्रीन एरिया, क्यारी, लॉन, एक्सटर्नल लॉन, जो भी आप कह सकते हैं अवेलेबल है, जिसको आप मज़ीद अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। बिजली का 3 फेज़ मीटर इंस्टॉल्ड है और लोकेलिटी में गैस अवेलेबल है। इस घर की डॉक्यूमेंटेशन ऑनर की तरफ से अप्लाइड है। फर्दर ये आप स्क्रीन पे इसका मेन गेट देख रहे हैं जो कि लेफ़्ट साइड की तरफ स्लाइडेबल है और जो राइट साइड का पैच है बाहर की तरफ ओपनेबल है। तो अब मूव करते हैं इसके पोर्च में। व्यूअर्स, पोर्च में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेफ़्ट साइड वाली जो वॉल है उसको डिज़ाइन किया गया है और इनर जितनी भी वॉल्स है यहाँ पर भी ग्राफिक का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। फ्लोरिंग पे शाइनिंग फैंसी टाइल्स हैं बड़े साइज़ की और ऊपर इसका आप सीलिंग वर्क चेक कर सकते हैं, बिल्कुल डिसेंट सा है। तो अब मैं आपको मेन एंट्रेंस का गाइड करता हूं। जो राइट साइड पे डोर है वो फर्स्ट फ्लोर की सेपरेट एक्सेस के लिए है। मेन जो डबल डोर है वो मेन लाउंज की एक्सेस के लिए है। लेफ्ट साइड पे जो डोर है वो ड्राइंग रूम की एक्सेस के लिए है। तो साइड स्ट्रीट की तरफ टर्न करते हैं, यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और पानी की मोटर भी फिक्स्ड है। और एलिवेशन अब आप एक और दफ़ा देख लें क्लोजली और अब आप जो इसकी वॉल है ये देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई है। पूरे घर में जो बटन्स का डिज़ाइन है वो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्राउंड पोर्शन का मेन स्विच बोर्ड यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये अब आप इसका मेन डोर देख लें, घर में इंटर होने के लिए जो मेन डबल डोर है। और व्यूअर्स, एक और बात ऐड करता चलूँ, इस घर का जो सफाई का काम है वो बाकी है। घर 100% कम्प्लीट है, ओके है, किसी किस्म का कोई काम बाकी नहीं है। सिर्फ सफाई का जो काम है वो थोड़ा बहुत रहता है। तो बिल्कुल मेन लाउंज में एंटर होते हैं। सबसे पहले आपको मैं फ्लोर प्लान गाइड करता हूँ। सामने हमारे पास इसका ओपन खूबसूरत किचन है, दो अटैच वॉशरूम्स हैं, सॉरी बेडरूम्स हैं विद अटैच वॉशरूम और ड्राइंग रूम विद पाउडर रूम अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारा ओवरव्यू कर लें, देन हम लाइन वाइज सारे घर को, बेडरूम्स को, लाउंज को, सबको विज़िट करेंगे। तो आज की इस न्यू वीडियो में आपको व्यूअर्स में विज़िट करवा रहा हूँ सात मरला का डबल यूनिट खूबसूरत डिज़ाइनर हाउस का, जिसका जो फ्रंट है वो ओपन है, जो कि एक कैटेगरी हाउस में आता है। तो आप सब ने वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है, घर का प्रॉपर विज़िट करेंगे और इसी वीडियो में आगे फर्दर घर की डिमांड, फ्लोर प्लान, तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपको घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, फ्लोर प्लान, इंटीरियर पसंद आता है तो आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है। तो ये इसका ड्राॅइंग रूम का एरिया है, लेफ़्ट साइड पर 3D वॉलपेपर और पोर्च से भी हमारे पास ड्राइंग रूम की सेपरेट एक्सेस अवेलेबल है। ड्राइंग रूम प्लस जो बेडरूम फर्स्ट है ग्राउंड पोर्शन का, इनका जो वॉशरूम है ये कॉमन है, मींस के शेयरिंग पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने जो डोर है ये हमारे पास बेडरूम फर्स्ट से इस वॉशरूम की एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है। तो इनका वॉशरूम शेयरिंग पे है। इसके अलावा घर में जितने भी बेडरूम्स हैं सबके वॉशरूम बिल्कुल सेपरेट हैं। तो ये था ड्राइंग रूम घर का। थ्रू आउट द ग्राउंड पोर्शन बिल्कुल सेम पैटर्न का, सेम साइज़ का शाइनिंग टाइल फ्लोर पे लगाया गया है। और उसके अलावा आप घर का काम चेक कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है और फ्लोर प्लान काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किए गए हैं। घर में SOS कंपनी के सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है और उसके अलावा घर में गीज़र भी इंस्टॉल्ड है। तो इंटर होते हैं बेडरूम नंबर फर्स्ट में। फ्लोरिंग पर सेम टाइल वर्क है, सीलिंग वर्क आप इसका चेक कर लें और सामने वॉल्स में डिफरेंट पैचेज में 3D वॉलपेपर्स का यूज़ किया गया है। फर्दर यहाँ पे इसकी कबर्ड्स डिज़ाइन की गई हैं और ऊपर इसका डिसेंट सा सीलिंग वर्क।
तो ग्राउंड पोर्शन पे एक स्पेशियस टीवी लाउंज है और एक हमारे पास काफ़ी खूबसूरत इसका किचन है। दो बेडरूम्स हैं विद वॉशरूम और एक ड्राइंग रूम विद पाउडर रूम अवेलेबल है। प्रॉपर एक डबल यूनिट हाउस है व्यूअर्स, और जिस लोकेलिटी में एक घर अवेलेबल है प्रॉपर 7 मरला एक घर है इस पूरी लोकेलिटी में। और मस्जिद, पार्क, कमर्शियल, स्कूल, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल वगैरह जो हैं इस घर से आपके काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे अवेलेबल हैं। तो ये है मास्टर साइज बेडरूम ग्राउंड पोर्शन का। राइट साइड की वॉल देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है और ये इसका ऊपर सीलिंग वर्क। वेंटिलेशन विंडो भी है और वेंटिलेशन विंडो पे आप देख सकते हैं सामने सिक्योरिटी ग्रिल्स जो हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। फर्दर ये वाली जो पूरी वॉल है यहाँ पे कबर्ड्स डिज़ाइन की गई हैं। इसका जो वॉशरूम है यहाँ पे वॉल हैंगिंग वैनिटी है। उसके अलावा टाइल वर्क आप देख सकते हैं प्रॉपर सीलिंग तक किया गया है, डिफरेंट टाइल्स यूज़ की गई हैं। तो ये था बेडरूम नंबर सेकंड। घर में गीज़र भी इंस्टॉल्ड है, इसके अलावा SOS कंपनी का अलार्म सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है और लोकेलिटी काफ़ी पीसफुल है। और गैस, बिजली और पानी का मैं आपको बता चुका हूँ लोकेलिटी में अवेलेबल है। सिर्फ़ और सिर्फ गैस जो है वो इस घर में इंस्टॉल्ड नहीं है क्योंकि ब्रांड न्यू घर है। इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑनर की तरफ से अप्लाइड है, तो फॉलो अप लेके वो भी इंस्टॉल्ड कर दी जाएगी। किचन में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो बिल्कुल सामने डोर है वो बैक साइड लॉन्ड्री की एक्सेस के लिए है। और घर में जो है ओवन प्लस बेकर भी इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा आप कैबिनेट्स का जो कलर कम्बिनेशन है ये देख सकते हैं बिल्कुल डिसेंट सा सिलेक्ट किया गया है। और किचन में इलेक्ट्रिक हुड प्लस बर्नर भी इंस्टॉल्ड है, वेंटिलेशन विंडो भी है और ऊपर इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट फैन। इसकी बैक साइड आपको मैं लॉन्ड्री दिखाता हूँ। डबल डोर के साथ बैक साइड लॉन्ड्री अवेलेबल है। टाइल वर्क है यहाँ पे भी कंप्लीट और यहाँ पे गीज़र भी इंस्टॉल्ड है। तो अगेन आ चुके हैं इसके मेन किचन में, और अब आप किचन के एंगल से अगेन सारी स्पेस देख लें। देन हम मूव करते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। लाउंज में दो फैंस हैं और मीडिया वॉल की स्पेस भी डिज़ाइन की गई है। तो फर्स्ट फ्लोर की तरफ मूव करते हैं व्यूअर्स। यहाँ से हमारे पास एक्सेस है फर्स्ट फ्लोर की, और इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं अगर आपने एक पोर्शन को रेंट आउट करना हो। सिंपली आपने पार्टीशन करनी है, आपका फर्स्ट फ्लोर जो है बिल्कुल सेपरेट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट फ्लोर में आते हैं तो व्यूअर्स सबसे पहले आप इसका लाउंज का एरिया देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्पेशियस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। फर्स्ट फ्लोर में बिल्कुल सामने स्क्रीन पे आपको दो बेडरूम्स नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक ओपन किचन है। उसके अलावा यहाँ पे एक इसका बेडरूम है। तो सबसे पहले किचन देख लेते हैं और आपको मैं घर की आस्किंग प्राइस बताता हूँ। व्यूअर्स, इस घर की जो आस्किंग प्राइस है, घर की जो डिमांड है फ्रॉम ऑनर साइड वो है 2,45,00,000। 2,45,00,000 घर की आस्किंग प्राइस है, घर की डिमांड है जो कि ऑनर की तरफ से है और जिसमें मज़ीद नेगोशिएशन का मार्जिन अवेलेबल है। तो आप में से जिस किसी को भी ये घर पसंद आता है वो इसका ऑन ग्राउंड विज़िट करना चाहता है या इसको ख़रीदना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नेम विद नंबर मेंशन है और आपको स्क्रीन पे भी मेरा नंबर शो हो रहा होगा। आप किसी भी टाइम कांटेक्ट करके इस घर से रिलेटेड डिटेल्स ले सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। फर्दर इसके ऑनर के साथ आपकी मीटिंग भी करवा दी जाएगी। तो अगेन बता दूं व्यूअर्स, आज की इस न्यू वीडियो में आपको मैं विज़िट करवा रहा हूँ 7 मरला का डबल यूनिट फ्रंट ओपन कैटेगरी हाउस का, जो कि इस टाइम बैरिया टाउन फेज़ ए रावलपिंडी की मार्केट में 2,45,00,000 कैश पे सेल के लिए अवेलेबल है। प्रॉपर एक डबल यूनिट हाउस अगर आप वीडियो स्टार्ट से देखे होंगे तो आपको आइडिया हो चुका होगा। उसके अलावा घर में टोटल 5 बेडरूम्स हैं विद वॉशरूम, 2 TV लाउंज हैं और 2 किचन हैं। ग्राउंड पोर्शन पे एक ड्राइंग रूम विद पाउडर रूम है। उसके अलावा छत पे सर्वेंट रूम विद वॉशरूम अवेलेबल है। और अगर आप घर की लोकेशन की बात करें तो घर की लोकेशन काफ़ी अच्छी है, फ्रंट ओपन कैटेगरी हाउस है ये। और अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी
इंटीरियर पसंद आता है तो आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है। तो ये बेडरूम नंबर सेकंड है, यहाँ पे भी फ्लोरिंग पे टाइल वर्क है। पूरे घर में बिल्कुल सेम पैटर्न का टाइल वर्क यूज़ किया गया है और इसकी जो कबर्ड्स हैं बिल्कुल डोर के बैक साइड पे आप देख सकते हैं, और विंडोज़ पे वेंटिलेशन पे सेफ्टी ग्रिल्स भी लगाई गई हैं। अब मूव होते हैं इसके वॉशरूम में, तो यहाँ पे भी टाइल वर्क किया गया है कंप्लीट हाइट तक, और वॉल हैंगिंग पोर्टा की फिटिंग्स हैं, वैनिटी जो है वॉल हैंगिंग है। तो ये अब आप वॉशरूम के एंगल से देख लें। छत पे जो सर्वेंट रूम है उसके वॉशरूम की मेंटेनेंस का काम बाकी है, वो आपको इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड विजिट पे कर ऑन ग्राउंड जब आप विजिट करेंगे आपको दिखा दिया जाएगा। और इसके अलावा बेडरूम्स लाउंज प्रॉपर विजिट आप जो है आप कर चुके हैं। तो ये बेडरूम नंबर थर्ड है, टाइल फ्लोरिंग है कंप्लीट पूरे घर में, सेम पैटर्न सेम डिज़ाइन की। उसके अलावा यहाँ पे इसकी कबर्ड्स हैं और यहाँ पे इसका वॉशरूम है। तो व्यूअर्स, विजिट हमने कंप्लीट कर लिया है और तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, लेकिन फिर भी फर्दर डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो अगेन आपके साथ रिपीट कर दूँ, आज की न्यू वीडियो में हमने विज़िट किया है 7 मरला का डबल यूनिट डिज़ाइनर हाउस, जो कि इस टाइम बैरिया टाउन फेज़ है रावलपिंडी में, 2,45,00,000 कैश पे सेल के लिए अवेलेबल है। तो चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल डबल ए रियल स्टेट को आपने लाजमी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।